तरीके से हर डाई का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। मतलब ब्लैंक का साइज आपने देखा कुछ अलग मिला हमें, बेंडिंग का अलग मिला, पंचिंग का हमें अलग मिला। तो इस तरीके से हम टूल का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम एक अपने पुराने टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमें प्रेस टूल के साइज कैलकुलेट करने हैं। ये एक हमारे पास पार्ट है, बेसिकली इसके तीन ही टूल होंगे, एक ब्लैंक टूल होगा, एक पंचिंग टूल होगा, एक बेंडिंग टूल होगा। इसका प्रोसेस किस तरह से हमें डिसाइड करना है, इसके लिए भी एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है सेम पार्ट के लिए, कि ये ब्लैंक बेंडिंग पंचिंग बनना चाहिए या कंपाउंड प्लस बेंडिंग दो टूल बनने चाहिए, तीन टूल बनने चाहिए, और तीन टूल भी किस सीक्वेंस में बनने चाहिए, इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टूल का साइज हमें किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास पार्ट है, इसकी मैं एक ड्रॉइंग इधर बनाता हूं। इस तरह का एक पार्ट है, ये रेडियस है कुछ भी मान लेते हैं 100, ये मानते हैं हम 25, और ये मानते हैं मान लो 50। मानते हैं कि ओपन करने के बाद जो ये ब्लैंक बैठ रहा है 175 है, मान लेते हैं, क्योंकि रेडियस पे कुछ कम ज्यादा होगा वो सब मान के कैलकुलेट करते हैं कि जो टेंटेटिव जो है वो ये आ गया। और जो ये पार्ट है इसकी थिकनेस है 4 mm और इसकी विड्थ है 50। इसमें दो होल इस तरफ है, दो होल इस तरफ। तो अब इसके तीन टूल बनते हैं, एक टूल बन रहा है ब्लैंक, फिर बनेगा इसका बेंडिंग, फिर बनेगा पंचिंग, टू स्टेज। ये हम टू स्टेज क्यों बना रहे हैं मैं बता देता हूं, क्योंकि जो ये पार्ट है, जो इसके ये होल है, मतलब ये जो होल है इस वाले फेस से बहुत क्रिटिकल है, तो इसीलिए हम बेंडिंग के बाद ये होल करेंगे, क्योंकि जो ये 0.2 में मांगे गए हैं। तो अगर हम पहले ब्लैंक पहले पंचिंग करेंगे और बाद में बेंडिंग करेंगे तो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो जो ये क्रिटिकल है, ये जो डायमेंशन है, इसलिए हमने ये प्रोसेस डिसाइड किया है, और इस प्रोसेस से हम मे बी क्या हम कंट्रोल कर ही लेंगे। तो अब हम जानेंगे कि किस तरह से हमें ब्लैंक का हम लेते हैं। सबसे पहले देखिए 4 mm का थिकनेस का पार्ट है, तो ब्लैंक टूल हाउसिंग में बनेगा पहली बात। तो जो जैसा कि हमने पहले भी बात किया है, कोई भी टूल बनता है मेजरली 4-5 प्लेट होती हैं। एक ये हो गया बॉटम प्लेट, ये बैक प्लेट, ये डाई, फिर ये पंच मान लेते हैं, पंच बैक प्लेट, और ये टॉप प्लेट, और इसमें अगर हमें स्टिपर लगाना है तो स्टिपर भी डाल सकते हैं। ये मेजरली ब्लैंक टूल की प्लेट है। और हमने डिसाइड किया है कि ये जो है डायमेंशन 175 है, तो ये 4 mm का पार्ट है तो हाउसिंग में जाएगा पहली बात। तो 175 और 40-40 mm हम जोड़ लेते हैं, या 50 mm, 40 या 50 mm से कुछ भी हम ले लेते हैं। ये अभी हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम डाई प्लेट का साइज निकालेंगे विद हाउसिंग क्या होगा। 175 प्लस 40 प्लस 40, और ये हाउसिंग में जाएगा तो कम से कम 40 की हाउसिंग भी जाएगी, मतलब 40-40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो गया है, तुम ऐड करो जब तक। ठीक है, अभी हम दूसरा लेते हैं, दूसरा साइज क्या होगा, 50 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 क्या हो, किस ऊपर का ऐड करके कितना हुआ, 335 ऊपर वाला, ये 335 नीचे वाला 210। तो जो हमारी डाई प्लेट का जो साइज बना है, देखिए
ये साइज क्या बन गया इस प्लेट का साइज, मतलब लंबाई में, मतलब इसकी हम थिकनेस कितनी लेंगे, 50 mm में बनना चाहिए कम से कम। तो 50 × 210 × 335 ये डाई का साइज हो गया, डाई प्लेट का साइज। अब बैक प्लेट का क्या होगा, बैक प्लेट हमें कम से कम 20 mm लेना पड़ेगा। तो 20 mm हम लेंगे तो हम इसमें जोड़ते हैं 20 mm। बैक प्लेट का साइज क्या हो जाएगा हमारा, ये बैक प्लेट की हम थिकनेस लेते हैं मान लो 20 mm, तो 40 जुड़ जाएगा, 250 × 40 जुड़ जाएगा इसमें, 4 × 3 = 7 ये साइज आ गया। अब हमें लेना पड़ेगा बॉटम प्लेट, बॉटम प्लेट पे हम पिलर इसमें लगाएंगे कितने के, कम से कम 32 के। तो 32 के जब पिलर लगाएंगे, 32 के पिलर के लिए दो साइड 100 mm चाहिए, गैप देखेगा 80 mm तो जोड़ ही लो। तो इस वाले फेस पे हम कितना जोड़ेंगे, 80 + 80, और इस वाले फेस पे क्लैंपिंग के लिए हम स्लॉट देंगे सिर्फ, तो 40 + 40, या ऐसा भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 50 + 50, ये कर सकते हैं 100 + 100। तो क्या डाई का साइज बन के आएगा टोटल, अगर ये 100 100 जोड़, मतलब 50 50 जोड़ लेते हैं, तो ये 350 × 200 यानी 575। तो ये कितनी डाई, अब बात करते हैं हाइट की, बात कैसे रहेगा। तो हमने ये कितना लिया है, 4 mm की प्लेट है, बात मैं बोल रहा हूं, तो 50 mm लेंगे हम, ये 50 mm 50 mm 20 mm 100 mm 20 mm, या ये 40 या 50 में कुछ भी ले सकते हैं, 50 mm। तो ये सब जोड़ के कितना बैठा अभिषेक, कितना बैठे सर, 340 बैठा। तो जो ब्लैंक टूल का हमारा जो साइज निकल के आया, हम यहाँ पे लिखते हैं कितना बैठा, कोई करेक्शन है, 340 आया ना। देखिए साइज किस तरह से लिखा जाएगा, लेफ्ट टू राइट, फ्रंट टू बैक, इनटू सेट हाइट SH। तो लेफ्ट टू राइट कितना आया हमारा 575, फ्रंट टू बैक कितना आया 350, लेफ्ट टू राइट कितना आया, सॉरी हाइट कितनी आई, कितना है टोटली याद करके, 290 आप भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये ब्लैंक का साइज कैलकुलेट हुआ। अब हम आते हैं बेंडिंग के ऊपर, बेंडिंग में क्या चेंज हो जाएगा, बेंडिंग में चेंज क्या हो जाएगा, बेंडिंग में क्या होगा, सेम ऐसे ही प्लेट है ना, बैक प्लेट, डाई प्लेट, पंच, पंच बैक प्लेट, सेम वैसा ही रहेगा। कहीं इंजेक्टर लग जाता है, उस तरह से कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन बेसिक तो इतना ही रहने वाला है। अभी देखिए जो मैंने क्या बताया था, 100 है, तो जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 100 पे कैलकुलेट करेंगे, जो हम 175 पे कैलकुलेट कर रहे थे इसमें कितने पे करेंगे, 100 पे कैलकुलेट। तो 100 में 50 50 ले लेंगे, क्योंकि खुल के भी वो अंदर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं इसकी 100/50 का अपना, मतलब ब्लैंक, तो उसमें 50 50 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 150 की भी, वो 50 50 की भी जरूरत नहीं है, हम 30 30 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि लोड आने वाला नहीं है। तो यानी हम 30 30 भी लेते हैं, तो 60 ले लेते हैं, 60 × 50 = 110, 110 × ये हमारा 100 है, 100 में 50 50 लेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 लेंगे, लेकिन इसमें भी हम हाउसिंग डालेंगे क्योंकि इसमें भी लोड आएगा, तो 40 mm की हाउसिंग ले लेते हैं। तो हमारा कितना हो गया था अभी, 200 हो गया था, और 40 मतलब हम 40 40 80 वो ले लेते हैं, तो 280 हो गया। हाइट हम कितनी, हमारी हाइट है ये 50 mm हाइट है, तो हाइट हम पूरा पार्ट अंदर जाना चाहिए 10 mm, फिर नीचे स्प्रिंग के लिए इंजेक्टर भी होना चाहिए, वो सब अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर ये हमारा
80 में आता है ऐसा कुछ आएगा, वो कैलकुलेट करेंगे। अब बैक प्लेट कितने की होगी, बैक प्लेट लगेगी कम से कम 30 mm की, तो 30 mm अभी फिर वही 20-20 mm इसमें जोड़ लेते हैं तो ये 150 हो जाएगा और ये हो जाएगा 320। फिर अपना वही बेसिक फंडा कि हम पिलर सेट लगाएंगे, 100-100 mm जोड़ लेते हैं इसमें तो ये कितना हो जाएगा 520, और ये कितना हो जाएगा इसमें हम 40-40 जोड़ेंगे पिलर सेट के तो ये 230। अब हम सटाइट, अब आते हैं सटाइट की बात, तो यानी हमारा लेफ्ट टू राइट कितना आया बेंडिंग में 520, और ये कितना आया फ्रंट टू बैक 230। अब बात करते हैं सट हाइट की, सट हाइट कितनी, ये हम 40 में भी ले सकते हैं, तो ये 40, ये हमने कैलकुलेट किया था 30, ऐड करते रहना भैया ये 80, ठीक है, और ये भी हम लेते हैं 80 का पंच भी 80, ये हम 20 ले सकते हैं और ये 40, कितना हो गया लगभग 290। तो सेम हाइट 290। अब हम बात करेंगे पंचिंग की। देखिए जैसा कि हमने बताया कि क्रिटिकल डायमेंशन थी, तो जो इस पार्ट की जो पंचिंग है वो टू स्टेज बनेगी। टू स्टेज का मतलब है कि एक ही डाई के अंदर दो तरीके से पार्ट लगेगा, एक बार ऐसे और एक बार पार्ट ऐसे लगेगा, तो ये पार्ट खड़ा करके लगेगा। तो अब अगर हम इसी में बात करें तो ये हम 40 mm ले सकते हैं। अगर हम सेट हाइट की बात करें, बैक प्लेट हम 20 mm ले सकते हैं। जो डाई है, अब आप समझिए पूरा पार्ट जाना चाहिए, अगर ये हमारी हाइट कितनी है 100, तो ये पूरा जाएगा पार्ट ऐसे खड़े में, तो उसके नीचे भी मैं कुछ एम छोड़ना पड़ेगा, तो ये 120 हमें लेना पड़ेगा लगभग, 120 या 140 ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। तो 100 है तो हम 120 ही ले लेते हैं, 120, ठीक है। ऊपर पंच मिनिमम 80 के पंच तो लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि स्टीपर भी उसे दबाने के लिए आएगा, तो ये 80 लगा दिया, बैक प्लेट 20 लगा दिया और ये 40 लगा दिया, तो ये कितना बैठ गया इसकी सेट हाइट 320। अब ये दो पार्ट ऐसे खड़े करके लगेंगे। अगर हम बात करेंगे अब अगर डाई का साइज कैसे रहेगा, तो ये हमारा कितने का हमने कैलकुलेट किया था 50, तो 50-50 100, और फिर 25-25 mm का हम गैप भी छोड़ लेते हैं, 100 और 25-25 तीन जगह छोड़ेंगे क्योंकि 25 बीच में साइड में, तो ये हो जाएगा 175। तो दो पार्ट लगाने के लिए 175, ये डायमेंशन हो गया। अब ये हमारी डायमेंशन कितनी है मैक्सिमम 50, यानी ये कैसा लगेगा एक ऐसे, तो ये 50 ही हो गया, और कम से कम 50 पीछे भी चाहिए क्योंकि हमारी गाइड पिन चलेगी, तो 100 mm हो गया, तो ये 100 mm हो गया। थिकनेस ऑलरेडी हमने यहां लिख लिया था। अब इसके नीचे बैक प्लेट पे फिर सेम वही कि हम 20-20 mm छोड़ेंगे, तो ये 140 और ये कितना हो जाएगा 205, और फिर ये कितना हो जाएगा इसमें, फिर वो पिलर सेट में आएगा, यहां 200 ये 405 हो जाएगा, और ये हम 40-40 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा। तो इसकी इसका जो साइज आ जाएगा कितना आ जाएगा लेफ्ट टू राइट 405 और फ्रंट टू बैक 220। तो देखिए इस तरीके से हर डाई का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है, मतलब ब्लैंक का साइज आपने देखा कुछ अलग मिला हमें, बेंडिंग का अलग मिला, पंचिंग का हमें अलग मिला, तो इस तरीके से हम टूल का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। रिकॉर्ड हुई नहीं हुई अभी बता दो तुम, हो गया।